उनको बिल्कुल भी शक नहीं होना चाहिए। हेलो हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। हेलो भाई कहीं वो मेरे को ना ट्राई। ओह शिट मेरा फोन भाई रगड़ता हुआ लेके आऊँ क्या मैं? ओह शिट प्रैंक फेल्ड। रिकॉर्डिंग अभी भी चालू है। यो व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी गॉडली। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? होप आप सभी लोग सेफ हो। और बेसिकली आज के व्लॉग में हम लोग सुबह सुबह उठकर थोड़ी सी वॉकिंग के लिए निकले थे, और वॉकिंग के लिए आप देख सकते हो आते आते ये एक सुंदर सी जगह हमें मिली, और काफ़ी अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के ना। और हम लोग सुबह सुबह हमने सोचा क्यों ना वॉकिंग वगैरह के साथ अपने डे को स्टार्ट कर ले। और ये प्यारे से आप डक्स देख सकते हो, इनको पाला जाता है अभी और बाद में जाके इनकी करी बनती है। वेट व्हाट? तो फिर ये आप देख सकते हो, तो हम लोग आगे आगे खूब चल रहे हैं। हमने सोचा, मैंने जैसे वादा किया आप लोगों को कि हमेशा व्लॉग्स आते रहेंगे, तो फिर हमने हर रोज़ शॉट लेना शुरू कर दिया। जो जो सबसे बेस्ट शॉट्स अपने को लगता है अपन वो पूरा सीधा पा देते हैं और आप लोगों को खुश करते हैं। और बहुत सारे लोगों ने कल की वीडियो की एडिटिंग के पीछे काफ़ी तारीफ की थी, तो सारा क्रेडिट्स मेरे भाई को जाता है, तो उसने ही किया था व्लॉग की एडिटिंग। और हम लोग बस चलते जा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद हम लोग वापस यू टर्न ले लेंगे, क्योंकि भैया हम लोग वॉकिंग के लिए निकले थे, सफ़र पर नहीं। तो यस, हाँ तो फिर हम लोग मिलते हैं। उस तरफ को आप लोग देख सकते हो कितना प्यारा उनकी फैमिली है, और वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। लोग उनकी आवाज़ें सुन सकते हो, उनकी बातें भी बड़ी अजीब है, मेरे को तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही है। अगर आपको समझ आ रही है तो कमेंट कर देना। अब देख सकते हो कितना सुंदर है इनका। अभी जैसे यहीं पे बैठे थे लेकिन अफसोस हमें देख के वो डर चुके हैं। और यहाँ पे साइड में आप देख सकते हो एक छोटी सी एक नाव दिख रही होगी आप लोगों को, काफ़ी सुंदर सी है, जिसने भी नहीं देखा। ये फिशर्स के अपने नाव है जो खरीदते हैं, और ये अब निकल जाते हैं अपने सफ़र पर। मच्छी वच्छी पकड़ लेते हैं भैया, और यस काफ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस चलते चलते हम लोग आ चुके हैं हमारे इलाके का सबसे बड़ा चर्च। ये जगह का नाम है बागत तानम, और इस जगह पे ये जगह से सीधा आप जाओगे तो यहाँ पे आपको इस इलाके का सबसे बड़ा चर्च दिखेगा। वो आप देख ही सकते हो भाई, आसमान की ऊंचाइयों में आप लोगों को दिख रही होगी। और हम लोग उस तरफ को जा नहीं सकते क्योंकि कोविड के मारे मतलब कारण वो सारे रोड बंद किए हुए, तो फिर इसके वजह से हम लोग उस तरफ को जा नहीं सकते। तो आप लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। अगर अब कभी अगर मैं जा पाऊँ उस चर्च में तो आप लोगों को मैं उस जगह का शॉट दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग इतना दूर जा नहीं सकते, सिर्फ गाड़ियाँ ही जा सकते हैं, वहाँ पे पुलिस हो सकते हैं। तो यस ठीक है, फिर हम लोग वापस अपने घर पे। बाय। We'll be right back.
सो गाइस हम लोग अब आ चुके हैं अपने हाथी के पास। जैसे आप देख सकते हो उस तरफ हमारी हाथी खड़ चुकी है। यहाँ पे वैसे गर्मी बहुत है और आप उस तरफ को देख सकते हो कितना, ये जो भी ट्रीज आपको दिख रहे हैं ये सारे रबर के ट्रीज है और इससे आप लोग जो इरेजर वगैरह यूज़ कर सकते हो, यूज़ करते हो जो गाड़ी के अंदर जो ग्रिप्स के जो शीट्स होते हैं वो सारे इस चीज से बनते और इसके काफ़ी पेड़ आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इन सब पे एक पॉलीथीन लटकाया हुआ है, इसके अंदर हमारा जो रबर है कलेक्ट होता है। और पहले ऐसे नहीं होता था, पहले एक छोटा सा एक ब्लैक कलर का एक कटोरी जैसी होती थी उस पर कलेक्ट होती थी और अब जाके ऐसे इनमें कलेक्ट हो रही हैं और इसको कलेक्ट करके, इसको कलेक्ट करने में काफ़ी साल लग जाते हैं लेकिन जब कलेक्ट होती है फिर बाद में हम लोगों को ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आप लोगों को मिलता है। सो हम लोग वेट करते हैं, अभी नानू भी चले गए हमें यहाँ पे छोड़ के, फिर से नानू ने हमारे साथ स्कैम कर दिया। और अभी यस देखते हैं कि वो जब उठाते हैं तो मैं आप लोगों को शॉट दिखाता हूँ। थैंक यू, व्हाट्स अप गाइस, इट्स मी गॉडली, वेलकम बैक टू द वीडियो। क्या हाल है सभी लोगों के, होप आप सभी लोग सेफ हो। और ये है हमारे वीडियो के कंटिन्यूशन और हम लोग अभी आ चुके हैं मच्छी पकड़ने के लिए। दोस्तों देसी ब्लॉग्स में आप लोगों का स्वागत है। और मच्छी पकड़ते हुए हमारी मम्मी जी पहले स्पेशलिस्ट थे, अभी का कुछ पता नहीं लेकिन देखते हैं। दोस्तों अभी इसके ऊपर ऐसे वर्म्स लटकाना पड़ता है ताकि ये अच्छे से मच्छी को खाने में मिले और साथ में अगली मच्छी हम खाएं। तो हम लोग आ चुके हैं इस सुंदर से जगह में, हम लोग आगे को चल के दिखाते हैं दोस्तों कितना सुंदर है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ का मौसम भी कितना सुंदर और सुहानी हो रखी है। सो यहाँ के आप ग्रीनरी देख सकते हो कितना ज़्यादा सुहानी है और यहाँ का मौसम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वहाँ पे लोगों का, आप लोगों को सीधी सीधी घर भी दिख रही होगी और ये किसी और की मतलब प्लेस है, हम लोग यहाँ पे ऐसे मच्छी पकड़ने के लिए आए हैं दोस्तों। और यहाँ पे बारिश का मौसम हो रखा है, वहाँ पे आप देख सकते हो बादल आ रखे हैं, पता नहीं अगर बारिश होगी तो हमें भागना पड़ेगा। तो हम लोग अभी मच्छी पकड़ने की कोशिश में वहाँ पे और हम लोग देखते हैं अगर एक आधा मच्छी मिल जाए तो अच्छी बात रहेगी। टेल ऑन वर्क, हम लोग ढूंढ रहे हैं मच्छी को, अभी तक आई नहीं, मच्छी भी नखरे दिखा रही है, पागल से सुनती नहीं है बात को। अच्छा खासा हम लोग कह रहे हैं कि भैया आराम से आ जा, समझते नहीं भाई, समझाना पड़ेगा उसको। हाँ